साथ अभी प्रियंका मैम है जो सीनियर मैनेजर कोविड-19 के टाइम पे बनी थी और ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी जहां पर लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे काम करेंगे या क्या काम करेंगे या जॉब को कैसे मैनेज करेंगे या बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, वहां पे इन्होंने अपना सीनियर मैनेजर कंप्लीट किया स्टार्ट किया वहां पर उन्होंने कोविड-19 के अंदर ही। तो आइए कुछ क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, हमारा जो सक्सेस सेशन है उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने सक्सेस को पाया है और कैसे इसको आगे देखती हैं फर्दर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारा कि प्रियंका मैम आप कुछ अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम अ हाउस वाइफ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड मेरे टू डॉटर्स हैं और साथ में मैंने अब ओरिफ्लेम कंपनी ज्वाइन करी हुई है। तो मैं ओरिफ्लेम बिजनेस करती हूँ एज अ वर्क फ्रॉम होम। एज अ हाउस वाइफ मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब ऑरिफ्लेम को कैसे आपको स्टार्ट किया, कैसे आपको लगा कि मुझे ऑरिफ्लेम में आना चाहिए? हाँ, मैं मैरिज से पहले जॉब करती थी। तो जब मेरी मैरिज हो गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ नहीं करा कि मुझे जॉब करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आप एज अ हाउस वाइफ वर्क करो, मैं जब अर्न कर रहा हूँ तो आपको कोई जरूरत नहीं है वर्क करने की। ठीक है, ऐसी घर में बैठी रहती थी, बोर रहती थी, टाइम पास नहीं होता था। तो कभी कभी मैं क्या कर रही थी, मैं फेसबुक चला रही थी। तो फेसबुक चलाते चलाते मैंने वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देखी। मैंने देखा कि वर्क फ्रॉम होम की एड डाली हुई है, जो मेरी सीनियर है यज्ञिका मैम, उन्होंने एड डाली हुई थी। तो मैंने उनको फोन किया कि मैंने कहा मुझे भी वर्क फ्रॉम होम करना है, तो मुझे भी स्टार्ट करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी है ओरिफ्लेम की। 2 इयर्स पहले मैंने ज्वाइन की थी कंपनी, तो मुझे पता नहीं था कि ओरिफ्लेम होता क्या है। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या चीज है ये ओरिफ्लेम में, कैसे वर्क करना है, क्या करना है। तो पूरी उन्होंने मुझे नॉलेज दी और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये वर्क होता है ओरिफ्लेम में। तो फिर धीरे धीरे मैंने उनको कॉल करा, उन्होंने मुझे बताया अपने बारे में कि ओरिफ्लेम ये है, ऐसे वर्क करना है, आपको करना है। तो धीरे धीरे मैं करती गई, मैंने उनको समझा। तो मेरे अंदर पैशन था कि मेरे को चलो कुछ घर पे बैठ के बनना है, मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, धीरे धीरे मैंने अपना वर्क स्टार्ट करा। 1 मंथ में मैंने अपना सब कुछ सीख लिया था। सीखने के बाद मैंने धीरे धीरे अपना वर्क स्टार्ट कर दिया और एज आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ। तो इसमें आपको सबसे मतलब जो है डिफिकल्ट क्या लगता है ओरिफ्लेम में आपको, और एज ए स्टार्टर है ना, मतलब बाद में नहीं, ऑब्वियसली जैसे मुझे आपको डिफिकल्ट नहीं लगता आप सब कुछ ना, और इजी क्या लगता है सबसे? देखो, इजी मेरे लिए ये है कि घर बैठ के ही मैं वर्क कर रही हूँ। ना मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, ना मुझे कहीं आना पड़ रहा है। घर बैठ के ही मैं अपना वर्क कर रही हूँ, साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, साथ में मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ। मेरे लिए इजी है और घर बैठ के ही मेरी अर्निंग आ रही है। तो मुझे इसमें कुछ हार्ड वर्क नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अपना घर बैठ के अपना सब कुछ देख भी रही हूँ, मैं बच्चों को भी देख रही हूँ। क्योंकि जो जॉब वाली लेडीज होती हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, वो बच्चे सारा दिन घर रहते हैं। बट यह है कि मैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही हूँ, अर्निंग भी कर रही हूँ, घर का वर्क भी कर रही हूँ। मेरे लिए ये इजी है। डिफिकल्ट ये रहा मेरे लिए थोड़ा सा ओरिफ्लेम में कि टीम को बिल्ड करना। टीमिंग था, नेटवर्क था, बट धीरे धीरे मैंने वो भी करा। धीरे धीरे मैंने जो डिफिकल्ट को इजी करा, इजी भी मैंने कैसे उसको बदला, धीरे धीरे मैंने अपनी टीम बिल्डिंग बनाई, मेरा नेटवर्क बड़ा हुआ। धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बढ़ता चला गया। उसके बाद जैसे जैसे मेरी टीम बिल्डिंग बिल्ड होती गई, उसके बाद मैं आज जैसे मेरी टीम है उस अकॉर्डिंग मेरे को टीम ने मिलकर मेरे को सीनियर मैनेजर लेवल पर पहुंचाया। तो आपने सबका क्वेश्चन यही रहता है जो कि भी कोविड-19 के अंदर आपने कैसे मैनेज किया फैमिली, क्योंकि फैमिली में उस टाइम पे सभी घर पे थे हम, और कहीं से कोई हाउसमेट या कुछ भी नहीं, तो आपको कैसे उस टाइम पे मैनेज करा आपने लॉकडाउन के टाइम पे, स्पेशली नॉट कोविड, क्योंकि लॉकडाउन वो 3-4 महीने बड़े पर्टिकुलर थे, और उसमें आपने मैनेजर सीनियर मैनेजर भी किया आपने। कोविड कोविड का टाइम तो कोई नहीं भूल सकता। तो कोविड हम लोगों ने पूछा है, लास्ट 1 ईयर हो गया कोविड को। लास्ट मार्च में स्टार्ट हुआ था कोविड, मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो और मैं जून में एसएम बन गई, जो मेरे लिए डिफिकल्ट भी रहा देन इजी वे भी रहा। डिफिकल्ट क्या बोलूं, फैमिली थी, बच्चे घर में, हस्बैंड घर में, उनको मैनेज करना, और नो मेड, कोई मेड भी नहीं घर में, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। बाद में मेरे को लेवल अचीव करना था, मेरे अंदर ये टारगेट था कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना सीनियर मैनेजर करना है, तो करना है। मैंने ड्रीम ले रखा था कि मेरा ड्रीम था कि मुझे करना है। और मार्च में फिर लॉकडाउन हो गया और टेंशन बढ़ गई कि लॉकडाउन हो गया और हम लोग घर में बैठे हैं तो अब कैसे वर्क करेंगे। क्योंकि सब लोग घर में, जब सबकी जॉब छूट गई, जब सबका काम छूट गया, तो अर्निंग नहीं हो पा रही थी।
तो लोग सब घर में बैठे थे, तो हमने सोचा कि कैसे हम वर्क करेंगे। लेकिन मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी वो वर्क फ्रॉम होम की थी, तो उस टाइम लॉकडाउन में क्या काम आया, वर्क फ्रॉम होम काम आया। तो मैंने बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम करा और अर्निंग करी और सीनियर मैनेजर बनी। तो फैमिली ने जब मेरे को देखा, जब मेरी चेक इनकम आई, वाओ क्या चेक इनकम आई, वो भी लॉकडाउन में बैठकर। आपको मैं जानता हूँ, जब आप मैनेजर बने थे आपको मैं तब से जानता हूँ, तो मैनेजर के आपके उस रिकॉग्निशन के ऊपर भी मैं था। तो आपका देखिए 2019 में मेरे ख्याल से जुलाई में मैनेजर हुआ था, आपका जुलाई में मैनेजर हुआ था, और विद इन 11 मंथ्स के अंदर आपने सीनियर मैनेजर अपना कंप्लीट कर लिया, जून 2022 में आपने अचीव कर लिया। तो वो अचीवमेंट आप कैसे देखते हो, मतलब मैनेजर से सीधा सीनियर मैनेजर, और ऑब्वियसली जो बीच में है वो 11 महीने है, और उसमें से कुछ 2-3 महीने ऑब्वियसली जो हमारे लॉकडाउन के रहे कफ टफ वाले, तो वो अचीवमेंट आप कैसे देखते हो, क्या आपका टाइम पे आपने सब कुछ किया? देखो ये टाइम मैनेजमेंट था कि मैंने कैसे टाइम मैनेज करा अपने आप को देकर, कि कैसे मैं अपनी कंपनी के साथ जुड़ी रही। बट मैंने ये कहा, डिमोटिवेशन भी आया क्योंकि लॉकडाउन आ गया, डिमोटिवेशन आ गया, क्यों थोड़ा बहुत आया, क्यों सारा काम पेंडिंग पे पड़ा रहा। एज अ मैनेजर मैं बन चुकी थी, जब मेरा मैनेजर कंप्लीट हुआ तो मेरे को बहुत वाइब मिले। एक प्राउड मोमेंट मेरा ये था कि मैं स्टेज पर गई, वहां मेरे को करा गया पूरा, सर्टिफिकेट मिला, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मिली मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से, कि जो घर में बैठा एज अ हाउस वाइफ घर में बैठ के सारा दिन बैठ के काम ही करती रहती, आज मैं इतने बड़े स्टेज पर गई, वहां मुझे मैनेजर लगा। तो मुझे लगा कि हाय मैं भी मैनेजर बन गई हूँ, क्योंकि जब जॉब वाले होते हैं जो उनको मैनेजर बनते हैं तो मैनेजर बनने में बहुत टाइम लग जाता है, बट यहाँ तो मैंने जल्दी से मैनेजर बन गई बिजनेस में, और इसलिए मैं इतनी बड़ी मैनेजर बन गई। उसके बाद मेरा काम चलता रहा, थोड़ा डिमोटिवेशन आया, थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहे, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम चलता रहा, फिर उसके बाद मैंने जैसी सीनियर मैनेजर भी मैंने धीरे धीरे अपना करा, कंप्लीट करा, बट मैनेज करके मैंने करा और वो मेरा हुआ। जून में मेरा सीनियर मैनेजर कंप्लीट हुआ था, अब जल्दी से जल्दी मुझे डायरेक्टर बनना है, और इसलिए में अब मेरे को सब बोले कि आप प्रियंका मैम डायरेक्टर बन रही है, मुझे मेरा टारगेट है, मेरा सबसे पहला ड्रीम है डायरेक्टर लेवल का, और वो 2-3 मंथ में मुझे कंप्लीट करना ही है। नहीं जैसे बाकी जो व्यूअर्स हैं वो देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक कैप्शन डाला हुआ है, सक्सेस इज डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। तो प्रियंका मैम को भी मैं जानता हूँ, जब वो मैनेजर थी तब से, जो सिंपल थिंग्स है उसको उन्होंने बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से किया। जैसे हम लोग कभी कभी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें स्टार्टिंग में करते हैं, नहीं वो बेसिक ना बेसिक्स पे रहती है। बेसिक्स यानी कि अगर उनको डिजिटल फेसबुक पे जाना है तो पर डे जाना है तो जाना है उनको, ठीक है, तो बेसिक्स पे रहती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ बड़ा टेक्निकल करने की कोशिश कर रही है, जैसा कई लोग करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अगर रिजल्ट नहीं आता तो उतना ही डिसहार्टन होता है। तो ये बेसिक्स पे इन्होंने जरूर वर्क करा। एक मेरा क्वेश्चन और है आपसे कि कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब आप एक सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। जब आप मैनेजर होते हैं तो ऑब्वियसली या 3% होते हैं, 6% होते हैं, तो कभी लगता है कि चलो ठीक है नहीं आ रहा, समझ तो नहीं आ रहा या नहीं वर्क किया, लेकिन एज ए सीनियर मैनेजर बन के कितना ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है? सीनियर मैनेजर बनने के बाद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें अपने टीम बिल्डिंग को देखना है, हमें अपनी पूरी टीम्स को देना है, उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी है। जब तक हम अपने आप अपने नीचे लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक वो लोग भी कैसे आगे बढ़ेंगे। पोस्ट वगैरह करनी है, सब चीजें करनी, थोड़ा सा टाइम हमारा ऊपर हो जाता। देखिए अब मैनेजर और सीनियर मैनेजर में डिफरेंस है, मैनेजर से हम सीनियर मैनेजर में है तो हम सीनियर हो गए ना, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा अपनी टीम को देखना, थोड़ा करना, ट्रेनिंग देनी, थोड़ा उन्हें बेसिक चीजें क्लियर करना, पूरी टीम बिल्डिंग को देखना, तो वो थोड़ा सा काम हो जाता है, वो कंज्यूमिंग हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है, बट होता है। बट यहाँ की पॉजिटिव वे होता है, पॉजिटिव वे लेकर चलेंगे तो सब कुछ होगा। एक जो हमारे को क्वेश्चन ऑब्वियसली आपसे पूछने के लिए स्पेशल आया है कि सीनियर मैनेजर बनने के बाद जो आपकी अर्निंग आई तो उसको आपने कैसे, मतलब घर में यूटिलाइज किया, क्या किया आपने, है ना, किस तरह से पार्टी दी या सेव कर लिया, क्या किया, तो वो आप जरूर थोड़ा सा बताइएगा। हाँ मैं थोड़ा सा उसको डीपली शेयर करूंगी क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था जो मैंने पूरा करा, अपनी फैमिली को दिया। जैसे सीनियर मैनेजर मैं बनी तो सीनियर मैनेजर बनने के बाद जो मेरी अच्छी इनकम आई, देखो टेक इनकम आई अच्छी मेरी, तो था मेरे मन में था कि हस्बैंड ने सोचा था कि ड्रीम है कि हमें कार ले ली थी, तो ग्रैंड i20 हमने कार ली अपनी,
तो वो कार की जो पूरी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरे ऊपर थी। मैंने बोला था कि मैं कार लूंगी, मेरा ड्रीम है। जो ओरिफ्लेम की अर्निंग से मैंने वो कार परचेज करी, तो आप सोच सकते हो कि कितना प्राउड मोमेंट होगा वो मेरे लिए, कि अलग टेक इनकम अलग आती है, बाकी जो मैं अपना अर्निंग अलग करती हूँ ओरिफ्लेम से, उससे अच्छा मैंने अपना बैंक बैलेंस बनाया, उससे परचेज मैंने अपने लिए एक कार खरीदी, और फैमिली का इतना प्राउड मोमेंट था, उसको मैंने इतने अच्छे से सेलिब्रेशन करा सीनियर मैनेजर बन के, एज अ केक कटिंग वगैरह करी मैंने, अपने घर में सारा सेलिब्रेशन हुआ मेरा बहुत अच्छा, और इतना मोटिवेशन मिला ना कि बट मेरे मन में ये सोचा कि नहीं मेरे को और करना है अब, क्योंकि कई लोगों में ये हो जाता है कि नहीं आपने ऐसा करा आप ये करे वो करे, नहीं मेरे को इतना अच्छा मोटिवेशन मिला अपनी फैमिली की तरफ से, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो और सबको भी जैसे उनके फ्रेंड सर्कल में उनको भी बताते हैं कि मेरी वाइफ एज अ वर्क करती है, उनको भी थोड़ा सा प्रेज करते हैं कि मैंने आज कार लिया, अपने दम पर मैंने अपनी कार खरीदी है वो भी ओरिफ्लेम के इनकम से, तो बहुत मेरे ऊपर फैमिली प्राउड है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लास्ट आप क्या ओरिफ्लेम वालों को, क्या जो बाकी ओरिफ्लेम के नेटवर्क में आपके हैं या हमारे नेटवर्क में, उनको आप क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं ओरिफ्लेम के अपने मेंबर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखो ये कंपनी बहुत अच्छी है, जीरो इन्वेस्टमेंट है इसमें, मैंने अभी तक कुछ इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा है, मैंने सिर्फ अर्निंग ही करी है, और एज अ हाउसवाइफ बहुत सारी एज अ हाउसवाइफ बैठी हुई हैं घर में, बैठी हुई है बच्चों के काम करती रहती हैं, और एज इट इज अपने हबी को बहुत सपोर्ट किया है मैंने इस टाइम पे, आप मान सकते हो एज अ, अब तो मैं यूपी में ही, पहले मैं मेरठ से बिलोंग करती थी, अब मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में आप सोच सकते हो कि कितना हैशटैग है दिल्ली में आने के बाद, कि कितना पेंडिंग हबी पे कितना, क्योंकि मेरे हबी यहाँ अकेले वर्क करते हैं, तो कितना उन पर बर्डन था, तो मैंने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी आप लोग बैठ के वर्क कर रहे हो एज अ हाउस वाइफ एज अ गर्ल, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, ओरिफ्लेम कंपनी आपके ड्रीम्स पूरे करती है, जब आप ओरिफ्लेम कंपनी को ज्वाइन करोगे जीरो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप किसी और कंपनी में जाते हो ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हो सब कुछ लेने के लिए जाते हो, वहां पे पेड ही करना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेनिंग मिल रही है, एज अ अब तो एज अ आपको जूम पे ट्रेनिंग मिल रही है, जिस टाइम हम लोगों ने ज्वाइन करा था वहां पे उस टाइम हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, जूम भी नहीं था, बट फिर भी मैंने करा और करा, तो मैं यही बोलना चाहूंगी आप डीमोटिवेट कभी मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव होके वर्क करिए, और आप अपने ड्रीम्स पूरे इस कंपनी में कर सकते हैं, और आप लोग भी मेरी तरह सक्सेस हो सकते हैं। तो अब रैपिड फायर राउंड हमारा है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उसमें, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपकी सबसे फेवरेट डाउनलाइन कौन है सारे नेटवर्क में से, कोई तीन, सारे ओनली वन, कोई तीन 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 ओनली डाउनलाइन ना सर, डाउनलाइन ना मेरी फेवरेट डाउनलाइन की मेरी जो है एक मनदीप मैम है जो मेरी डाउनलाइन रही है, वो अभी तक मेरे साथ रही है, हमेशा मेरे साथ रहती है, एक स्नेहा है जो हमेशा मोटिवेट होती है डीमोटिवेट होती है लेकिन मेरे को छोड़ती नहीं है, हमेशा मेरे साथ रहती है, एक नीतू है हमारे नेटवर्क में वो भी बहुत अच्छी है, डाउनलाइन की डाउनलाइन है बट वो भी बहुत अच्छी है, तीरो मेरे साथ सपोर्ट है, रविंद्र मैम भी है, बहुत सारी ऐसी मतलब तीन के बारे में बोल के सबको हराज नहीं करना चाहती, हमें टॉप थ्री चाहिए थी। इनमें से कौन सी डाउनलाइन आपको लगती है जो सबसे पहले स्प्रेड आउट करेगी? मेरी डाउनलाइन है मंदीप, बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, तो वो मेरे को लगता है कि स्पेट आउट जल्दी करेगी। अब मेरा जो सबसे अहम क्वेश्चन है रैपिड राउंड में, जैसे आपने 10 11 से 12 महीने में सीनियर मैनेजर कर लिया जब आप मैनेजर बने थे, तो आपके नीचे भी मुझे पता है बहुत सारे मैनेजर्स हैं, तो आपको कौन लगता है कि वो रिकॉर्ड आपका तोड़ेगा, क्योंकि वो भी अपने आप में, हालांकि लोग करने वाले 6 महीने भी कर लेते लेकिन 11 महीने भी एक पीरियड है जो कि वर्केबल पीरियड है, तो ऐसा कौन सी डाउनलाइन आपकी, कौन सा मैनेजर है आपका जो आपको लगता है मैनेजर बन गया है और अब सीनियर मैनेजर आपका जो रिकॉर्ड है ना 11 महीने का वो ब्रेक करेगा? सर देखो ये तो चलता है डिपेंड ऑन डिपेंड, ये नीतू है वो भी कर सकती है, एक ममता है, ममता भी अच्छी है वो भी निकल सकती है आगे, मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, बट मेरा रिकॉर्ड तोड़ना अगर तो मेरे से ऊपर जाएगा वही मुझे अच्छा लगेगा ना कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। नहीं वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वो हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है जिस तरह से रिकॉर्ड ही है वो आपका, तो 11 महीने के अंदर आपने जब मैनेजर बने हो आप, तो ऑब्वियसली आसान नहीं होता मैनेजर बनने के बाद, नौ भी जाता है आदमी कभी
6 भी जाता है, कभी 15 भी जाता है, और आपने सीनियर मैनेजर किया, आपने उसको मेंटेन भी किया है। और लास्ट एक जो हमारा रैपिड फायर का ऑब्वियसली राउंड है, वो हमें पता है आपकी फेवरेट जो है वो याग्निका मैम ही है, पर याग्निका मैम की ऐसी कौन सी चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? याग्निका मैम की सबसे अच्छी चीज है एज अ टीम, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, एज अ फैमिली भी हम बहुत अच्छा जानते हैं। मेरा यहाँ दिल्ली आने के बाद कोई ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा था, एज इट इज वो मेरी फ्रेंड भी है। हम एक दूसरे को अपनी डाउनलाइन नहीं मानते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि मैं तेरी डाउनलाइन हूँ या तू मेरी डाउनलाइन है, एज इट इज नहीं, एज अ फ्रेंड सर्कल हम बन गए हैं। और उनमें ये बात है, कभी भी मैं डिमोटिव होती हूँ हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, नहीं प्रियंका मैम आपको करना है तो करना है, आपके अंदर एक जुनून है करने का, आप हमेशा करोगे, वो हमेशा डिमोटिवेट करती है। मुझे उनमें एक चीज बहुत अच्छी लगती है, एज अ फ्रेंड है हम दोनों, हम लोग ने यहाँ पर अपनी फैमिली बना रखी, ये नहीं कह रखा कि तू मेरे डाउनलाइन है कि आप मेरे डाउनलाइन हो, नहीं, एज अ फैमिली वर्क करते हैं, और इसलिए उनका नाम यही है, एज अ फैमिली वर्क फैमिली, आप लोगों की फैमिली है और उस फैमिली का फोटोग्राफर मैं हूँ। यस ऑफकोर्स, आपने अभी देखा ना हमें कैटालॉजी में कितनी अच्छी अच्छी पिक्स हम लोगों ने खींची, और वो भी सर को, थैंक्स टू यू सर, आप हमेशा मुझे भी डिमोटिवेट करते हो। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। पर जाते जाते कोई स्पेशल टिप सभी को के भी, वो डिमोटिवेशन तो देखिए आएगा, काम करेंगे उसी को आएगा, मोटिवेशन भी उसी से आएगा कि काम हो गया, डिमोटिवेशन भी तभी आएगा जब काम नहीं हुआ, दैट मीन्स काम तो किया। तो कोई ऐसी टिप जहां पे हम बैलेंस कर पाए, हमारी डाउनलाइंस हैं, हमारे साथ सारी अच्छी लेडीज हैं, और जैसे आपने बताया कि याग्निका एकदम फैमिली की तरह होगी, और ऑब्वियसली ये ओरिफ्लेम में ही हो सकता है कि बिल्कुल जो एक दूसरे को हम जानते भी नहीं है, है ना, वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग में आ जाते हैं। मे बी हम कभी बहुत सपोर्ट भी करते हैं, कभी कभी खुद भी डिमोटिवेट होते हैं, कभी कभी खुद को एक दूसरे को भी कुछ मे बी करते हैं, लेकिन एज ए फैमिली हम लोग ग्रो करते हैं। तो ये कल्चर सबसे अच्छा आपको नेटवर्क्स में, बहुत सारी टीम्स में मिलेगा। तो जाते जाते हम इसको खत्म करते हैं, जाते जाते कोई ऐसी स्पेशल टिप जो इसको बैलेंस को बनाए रखे। बैलेंस को बनाने के लिए आपको हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, पॉजिटिविटी आप लाओगे तो आप बैलेंस बनाओगे, डिमोटिवेशन इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, नेटवर्क से भी आएगा, सेल्स परचेजिंग से भी आएगा, हर तरीके से आपके अंदर डिमोटिवेट आ, मेरे अंदर भी आता है, बट मैं उसको पॉजिटिव वे में क्लियर करती हूँ मुझे कैसे पॉजिटिव रहना है और करना है। एज अ फैमिली आप बनाओगे, एज अ फैमिली टीम बिल्डिंग के साथ रहोगे, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज बोलना चाहूंगी, आप हमेशा मोटिवेट होके वर्क करो, पॉजिटिव वे में वर्क करो, और अपना ड्रीम सोच के रखो, अपना टारगेट सोच के रखो कि मुझे ये करना है तो करना है। एज अ हाउसवाइफ को मैं ये बोलना चाहूंगी, आप सोचो कि घर बैठ के कुछ नहीं होगा, घर बैठ के सब कुछ हो रहा है, मैं भी तो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, सब कुछ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो मैं एज अ डीज आपको ये देना चाहूंगी कि आप पॉजिटिव वे में वर्क करो और देन अपने ड्रीम पे फोकस करो, अपना टारगेट डायरी में नोट करके लिखो कि मुझे ये टारगेट है कि मुझे आगे बढ़ना है और बढ़ना है। डीमोटिवेशन आएगी उसको मत सो, थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर उसको पॉजिटिव वे में चेंज करो। तो मेरा यही मोटिवेट रहेगा कि आप सब पॉजिटिव वे में बढ़ो और सब लोग आगे बढ़ो, मेरे से भी आगे जाओ, तो मैं अपनी टीम के साथ हमेशा हूँ, जो भी है सब कुछ रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू आपके इस बहुत अच्छे इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, वापस से गाइड किया, और ऑब्वियसली इंटरव्यू देने अपना बिल्कुल। मैं बाकी सब व्यूवर्स को भी बोलूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऑब्वियसली आपको भी एक टारगेट है, इवन मैं भी अभी मैनेजर हूँ, आप लोग भी जितने मैनेजर्स देख रहे हैं वो ट्राई करें कि हम भी 11 महीने में करें, और जितने मैनेजर नहीं बने वो ट्राई करें मैनेजर बने, जितने भी 6% है वो पूछे अपनी अपलाइन से कि कैसे हमें मैनेजर बनना है। आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी प्रियंका मैम का मैंने इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने खुद भी बताया, और ऐसा नहीं कि वो फैमिली वाली नहीं है, वो भी फैमिली वाली है, उनके भी 2 बच्चियां हैं, उनको पूरा पूरा देखना पड़ता है, चाहे स्कूल को, ये कोविड के अंदर वाला है, क्योंकि कोविड के अंदर प्रियंका मैम के पास, अगर मान लीजिए हमारे पास एक फोन है, तो बच्चों को भी उसी फोन से हमने क्लासेस करवानी है, अपनी ट्रेनिंग्स भी करनी है, और पोस्टिंग भी करनी है, और पोस्टिंग पे जो आपके जो भी क्वेरीज आ रही है उनको भी आपने हैंडल करना है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रियंका मैम हमारे सामने, आप लोग जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्रियंका मैम से इंस्पायर हो। थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर।